हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और मानसूनी प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मानसूनी प्रदेशों में आगे हम मिट्टी संसाधन, यहाँ की जैव संपदा और आर्थिक और मानवीय क्रियाओं में कृषि, उसके प्रकार, सिंचाई, खनिज और मानव संसाधन, इनका अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले है मिट्टी संसाधन। देखो, मानसूनी प्रदेश हम कर रहे हैं और पिछले वीडियो में बताया आपको, जो मानसूनी प्रदेश है यहाँ जो कृषि है वो मुख्य व्यवसाय है यहाँ का। तो कृषि मुख्य व्यवसाय है तो यहाँ पानी और मिट्टी इनका बहुत अधिक महत्व है इस क्षेत्र में। तो मिट्टी संसाधन में देखो, तो मिट्टियों को भी पांच प्रकार में बांटा हुआ है यहाँ पे। तो मानसूनी प्रदेश में जीविका का मुख्य साधन कृषि है और इस प्रदेश में मिट्टी संसाधन बड़े सीमित है और मुख्य रूप से जो बताया था पिछले ही वीडियो में, जो नदी घाटिया है वहां पर सबसे अधिक कृषि कार्य किए जाते हैं और जो तटीय क्षेत्र है वहां भी कृषि कार्य किए जाते हैं। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये वर्षा पर निर्भर करता है कृषि के लिए, लेकिन वर्षा अनिश्चित होती है तो उसके लिए ये जो सिंचाई के साधन है उनका भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं मिट्टी के प्रकार में उष्ण कटिबंधीय लाल मिट्टी। जो उष्ण कटिबंधीय लाल मिट्टी है, कम उपजाऊ मिट्टी है ये, और ये इंडोनेशिया और मलेशिया में पाई जाती है। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय लाल पीली मिट्टी, और यह जो मिट्टी है लाल मिट्टी की अपेक्षा कुछ उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें उर्वरक यानी खाद वगैरह भी मिलानी पड़ती है। देखो, ये जो मिट्टी है यह भारत, दक्षिणी चीन, लाओस, कंबोडिया, फिलीपाइन और दक्षिणी जापान में पाई जाती है। उसके बाद है चेस्टनट या भूरी मिट्टी। यह लाल भूरे अथवा गाढ़े भूरे रंग की मिट्टी होती है और इसमें खनिज तत्व है यानी खनिजों की मात्रा होती है। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में इस तरह की मिट्टी है वो पाई जाती है और यह जो मिट्टी है इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी चीन में ये मिट्टी मिलती है मुख्य रूप से। उत्तरी पश्चिमी भारत है, देखो यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है तो यहाँ भी ये मिट्टी मिलती है। उसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी है, ये थार के मरुस्थल व चीन के मरुस्थलों में अधिक मिलती है। ये मरुस्थली मिट्टी है तो थार का मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, उसके बाद जो चीन में जो मरुस्थल है वहां ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अंतिम है लेटराइट मिट्टी। अब देखो, लेटराइट मिट्टी है ये मानसूनी प्रदेशों की एक विशेषताएं होती है, जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहां मुख्यतः लेटराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। जैसे केरल है भारत में, यहाँ जो लेटराइट मिट्टी है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जीव संपदा। जीव संपदा मानसूनी प्रदेशों में, देखो मानसूनी प्रदेशों में जीव संपदा है, ये भी यहाँ का जो अर्थतंत्र है उसमें सहयोग देता है, क्योंकि कृषि के साथ यहाँ पशुपालन भी करते हैं और कृषि के साथ जो पशुपालन है वो भी यहाँ के लोगों को मतलब वो आय प्रदान करता है। देखो, यहाँ मछली पालन है वो भी अधिक होता है और मछली का भोजन के रूप में भी बहुत अधिक उपयोग इस क्षेत्र में किया जाता है। और इस प्रदेश में देखो, यहाँ जानवरों का मांस खाया जाता है और चीन में पशुओं का मांस खाया जाता है, जबकि दूध का उपयोग नहीं किया जाता है।
तो चीन में बहुत अधिक जो पशु हैं वो मुख्य रूप से मांस खाने के लिए ही पाले जाते हैं, ना कि दूध के लिए। बल्कि भारत में जो पशु हैं वो दूध के लिए पाले जाते हैं, ना कि मांस खाने के लिए। उसके बाद देखो, यहाँ जो पशु मिलते हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला है होल आर्कटिक पशु वर्ग। देखो, ये जो पशु वर्ग है यह जापान, चीन, तिब्बत के पठार और ये हिमालय पर्वत में मुख्य रूप से ये मिलते हैं। तो इनमें देखो जो जानवर पाए जाते हैं वो घोड़े, याक और भालू है। उसके बाद है ओरिएंटल पशु वर्ग। देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया और एशिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं ओरिएंटल पशु वर्ग, और इसमें गेंडा, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, भेड़, बकरी और गाय ये मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं ओरिएंटल पशु वर्ग में। फिर है ऑस्ट्रेलियन पशु वर्ग। देखो, इसमें अंडर और स्तनधारी दोनों ही तरह के पशु आते हैं, जो मतलब अंडे देते हैं वो, और स्तनधारी दोनों ही इसमें आते हैं। तो इसमें कीट, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, मगरमच्छ और कंगारू यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और कंगारू यहाँ की देखो विशेषता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। उसके बाद देखो जो ऑस्ट्रेलियन पशु वर्ग है, देखो कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस प्रदेश से ही विश्व के अन्य भागों में पशुपालन का प्रचार हुआ। ठीक है, ये जो क्षेत्र है मानसूनी क्षेत्र है, यहीं से ही पशुओं को पालना शुरू किया गया था, और यहीं से पशु पालने का जो चलन है वो अन्य देशों में फैला था। और यही विश्व का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले कुत्ते और सुअर को पालतू बनाया गया था, और इसी प्रदेश में सबसे पहले कुत्ते और सुअर को पालतू बनाया गया था इसी क्षेत्रों में। देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है ये लिखे हुए हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं मानव की ये आर्थिक और मानवीय क्रियाएं हैं मानसूनी क्षेत्र में। अब देखो, कृषि लिखा है पहला ही बिंदु, तो कृषि तो यहाँ की रीढ़ है, मानसूनी क्षेत्र की रीढ़ है कृषि। कृषि कार्य बहुत अधिक किया जाता है, लगभग 70-75% जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर करती है, और यहाँ का जो अर्थतंत्र है वो भी कृषि पर ही निर्भर करता है। और कृषि में भी देखो कृषि के अलग अलग प्रकार बता रखे हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे अभी। तो ये जो कृषि है यहाँ देखो जो खाद्यान्न है वो भी अलग अलग तरह के जो खाद्यान्न है उनको यहाँ पैदा किया जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। तो खाद्यान्न यहाँ देखो रेशेदार फसलें, पेय फसलें, व्यापारिक अथवा अर्ध औद्योगिक रोपण कृषि इस प्रदेश की मुख्य उपजे हैं। और यहाँ फसलों की भिन्नता यहाँ मुख्य लक्षण है। यहाँ पर देखो जूट, चावल, तिलहन, कपास, चाय, गन्ना और गेहूं यहाँ मुख्य फसलें हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया चावल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ चावल की कृषि बहुत अधिक होती है दक्षिण पूर्वी एशिया में। इस प्रदेश के पश्चिमी और अर्ध शुष्क प्रदेश में गेहूं की फसल अधिक होती है, और कृषि मुख्यतः समुद्र तट एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रायद्वीपीय एवं द्वीपीय प्रदेशों में अधिक विकसित हुई है। अबिसिनिया में कहवा अधिक पैदा किया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान विश्व का, भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर विश्व का, पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश से है। यहाँ जो भारत और बांग्लादेश है ये विश्व का 95% जुट है इसका उत्पादन करते हैं। और उसके बाद गन्ने की जो सबसे अधिक फसल है वो क्यूबा में होती है। क्यूबा अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है, वहां गन्ने की सबसे अधिक फसल होती है। उसके बाद देखो कृषि के प्रकार हैं, अलग अलग भागों में कृषि को बांटा है। पहला है निर्वाहक मूलक कृषि क्षेत्र। देखो निर्वाहक मूलक कृषि क्षेत्र में है कि यह मुख्य रूप से उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी मानसून प्रदेश में फैले हुए हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी मानसून
क्षेत्र है वहां ये क्षेत्र है फैला हुआ है। इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्न उत्पादन मुख्य रूप से होता है। मुख्य रूप से खाद्यान्नों का ही उत्पादन यहाँ किया जाता है क्योंकि निर्वाह मूलक कृषि है। केवल निर्वाह करना यानी ऐसी फसल उगाई जाती है जिस जो भोजन में उपयोग हो जिसका, जैसे चावल है गेहूं है इनका। यहाँ गेहूं चावल मक्का मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो ये जो निर्वाह मूलक है ये केवल उदर पूर्ति के लिए ही कृषि की जाती है। उसके बाद सेकेंड बिंदु है सघन एवं व्यापारिक कृषि। सघन और व्यापारिक कृषि है। देखो इस प्रदेश के विस्तृत उपजाऊ मैदानों, समुद्र तटीय प्रदेशों और नदी की घाटियों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस भूभागों में खाद्यान्न की फसलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें जैसे कपास है, जूट है, गन्ना ये उगाए जाते हैं। ये व्यापारिक फसलें भी यहाँ उगाई जाती है और व्यापारिक फसलों से जो धन है वो अधिक मिलता है। उसके बाद है चावल प्रधान कृषि। देखो ये जो चावल प्रधान कृषि है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये की जाती है और साल में एक से अधिक यहाँ कृषि है वो मतलब फसल है वो प्राप्त की जाती है चावल की, क्योंकि चावल पर ही ये सबसे अधिक निर्भर रहते हैं। इनका मुख्य जो भोजन है वो चावल ही होता है। सुबह शाम ये चावल का ही सेवन करते हैं। हम जैसे गेहूं का उपयोग करते हैं तो वहां गेहूं का उपयोग नहीं करके चावल का उपयोग किया जाता है। देखो इन प्रदेशों में भारत का पूर्वी भाग, भारत का जो पूर्वी भाग है पूर्वी भारत है वहां चावल का अधिक उपयोग होता है। उसके बाद है बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी घाटियां और उसके डेल्टाई क्षेत्र, चीन का दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, जापान के समुद्र तटीय प्रदेश मुख्य क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में विश्व का लगभग 75% चावल है वो उगाया जाता है। आगे इसमें है देखो कि अधिक सघन जनसंख्या वाले जैसे भारत, चीन और जापान है, इनको चावल का आयात भी करना पड़ता है। ठीक है, यानी चावल यहाँ अधिक खाया जाता है। कुछ विशेष क्षेत्र है वहां केवल चावल का ही उपयोग किया जाता है। और चावल का इतना अधिक उपयोग है कि भारत में या फिर जो चीन जो चावल पैदा कर रहे हैं वो भी कम पड़ता है, उनको बाहरी देशों से चावल का आयात करना पड़ता है। इसके अलावा है म्यांमार, लाओस, दक्षिणी वियतनाम, थाईलैंड ये चावल का निर्यात करते हैं। इसके बाद है विविध उत्पादन कृषि प्रदेश। देखो यहाँ जो फसल होती है यहाँ कम नमी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे गेहूं, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा और दालों की खेती यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। और यहाँ ये उत्तर और पश्चिमी चीन, पश्चिमी एवं मध्य भारत में ये क्षेत्र फैले हुए हैं। इसके बाद है बागाती या रोपण कृषि। बागाती या रोपण कृषि में ये जो कृषि होती है ये मुख्य रूप से व्यापारी कृषि ही होती है। ये इस कृषि के खेत नहीं होते, ये बागों में उगाई जाती है, बागान होते हैं इसके। जैसे चाय है, कहवा है, जो रबड़ की जो कृषि होती है वो रोपण कृषि में ही आते हैं। देखो मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक विकसित खेती के लिए रोपण कृषि के ही है। इस प्रकार की फसलों में रबड़, नारियल, कहवा, चाय, गन्ना आदि मुख्य रूप से आते हैं। और हिंदेशिया, मलेशिया, दक्षिणी भारत, वियतनाम, दक्षिणी चीन और दक्षिणी जापान में रोपण कृषि के क्षेत्र मिलते हैं। मानसूनी प्रदेश के मनुष्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। और चाय और जूट इन प्रदेशों का एकाधिकार है। चाय और जो जूट का उत्पादन होता है उस पे मानसूनी प्रदेश है उनका एकाधिकार है, यानी ये यहीं पे सबसे अधिक होती है। उसके बाद अगला बिंदु है सिंचाई का, इरिग्रेशन। देखो मानसूनी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो अनिश्चित होती है, तो और ये जो क्षेत्र है मानसूनी क्षेत्र यह कृषि पर ही निर्भर करता है, तो केवल वर्षा के भरोसे ही ये नहीं बैठे रह सकता। तो यहाँ पर
अलग अलग क्षेत्रों में जो भी साधन मिलता है इन्हें सिंचाई का, वो ये उपयोग करते हैं। तो सिंचाई इनके लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है इनकी। और दूसरा, यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो विश्व का सबसे अधिक मिलता है। तो यहाँ देखते हैं सिंचाई के जो साधन है। वर्तमान में विश्व के सिंचित प्रदेश का लगभग 70% मानसूनी प्रदेश में ही है। जो सिंचित प्रदेश है विश्व के 70% वो मानसूनी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। भारत का दक्षिणी भाग, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन के पठारी भागों में ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो सिंचाई का साधन है वो तालाब है। जैसे दक्षिण भारत है, वहाँ का जो धरातल है वो कठोर है, तो वहाँ सिंचाई का जो साधन है वो तालाब ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो, भारत तथा चीन के विस्तृत समतल कांपीय मैदानों में नदियों पर बांध बनाकर नहर से सिंचाई की सुविधा का विकास किया गया है। भारत और चीन में जो समतलीय क्षेत्र है वहाँ नदियों पर बांध बनाकर वहां से नहरें निकाली गई है और उनके द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। नदियों से दूर स्थित मैदानों में सिंचाई के साधन के रूप में नलकूपों को अपनाया गया है। जहां पर नहरें नहीं निकाली जा सकती है और जो क्षेत्र नदियों से दूर है वहां जो सिंचाई का साधन है नलकूप यानी ट्यूबवेल है। वहां सिंचाई की सुविधा के दृष्टिकोण से चीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की 70% जो कृषि भूमि है वो सिंचित है और भारत की 42% जो भूमि है वो सिंचित है। और लेकिन पाकिस्तान है, इसका 3/4 भाग सिंचित है और जापान में 70% कृषि क्षेत्र है वो सिंचित है। उसके बाद नेक्स्ट है खनिज। देखो, इन क्षेत्रों में खनिज भी बहुत पाए जाते हैं और लेकिन खनिजों में कुछ असमानताएं हैं। यहाँ पर जैसे कोयले के जो मुख्य भंडार है वो भारत और चीन में पाए जाते हैं। चीन में विश्व के कुल संचित भंडार का 21.8% और एशिया के संचित भंडार का 44.1% है जो कि चीन में पाया जाता है कोयले के भंडार। और भारत में देखो विश्व का 1.4% कोयला पाया जाता है और एशिया का 2.8% कोयला पाया जाता है। जापान में कोयला कम मिलता है। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोल में देखो चीन में सिक्यांग, भारत में असम और गुजरात, और अब तो हालांकि राजस्थान भी इसमें शामिल है। पेट्रोलियम में राजस्थान भी अब अग्रणी है। इंडोनेशिया व वेनेजुएला पेट्रोल की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद है लोहा। देखो यह पूर्वी ब्राजील, भारत और चीन में अधिक मात्रा में निकाला जाता है। और मैग्नीज के जो महत्वपूर्ण भंडार है वो पूर्वी ब्राजील, भारत और चीन में है। भारत में विश्व का 9% और चीन में 4% मिलता है मैग्नीज। टिन के उत्पादन में यूनान का पठार महत्वपूर्ण है। मलेशिया, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। बॉक्साइट के मुख्य भंडार भारत और चीन में है। तांबा के उत्पादन में जापान सबसे आगे है। जो तांबा का जो उत्पादन है वो जापान में सबसे अधिक किया जाता है। खनिज के बाद है देखो उद्योग है, इसमें लिखा हुआ नहीं है उद्योग, आप लिख लेंगे उद्योग। देखो उद्योग यहाँ जो मानसूनी जो क्षेत्र है ये विकासशील देश है, उद्योगों का विकास है यहाँ धीरे धीरे किया जा रहा है। यहाँ अधिकतर तो कच्चा माल है वो भी प्राप्त किया जाता है। कुछ ऐसे देश है वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वो केवल कच्चे माल है उसका उत्पादन करते हैं और दूसरे देशों को बेच देते हैं या निर्यात कर देते हैं। देखो उद्योगों में है, इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 175 करोड़ से अधिक है और अकेले भारत में ही 100 करोड़ से
अधिक जनसंख्या है। मानसून एशिया कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो यह जो क्षेत्र है, जैसे भारत के भी की हम बात करें तो भारत में जो प्राचीन काल था उस समय सूती वस्त्र उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग था, और उसके साथ ये लकड़ी और मिट्टी, हाथी दांत और कृषि के उत्पादों से बनी वस्तुएं विश्व के बाजार में प्रसिद्ध थी। मगर औपनिवेशिक काल और राष्ट्रीय भावना के ह्रास के कारण उद्योगों की महत्व है वो घटता चला गया। स्वतंत्र होने के बाद जापान में औद्योगिक विकास सर्वप्रथम दृष्टिगत तो होता है। देखो, जापान एशिया का एकमात्र विकसित देश है। यहाँ जापान में टेक्नोलॉजी बहुत है अन्य एशियाई देशों के मुकाबले। तो भारत, चीन और जापान में अनेक आधारभूत उद्योग हैं, जैसे लोह इस्पात, इंजीनियरिंग, मशीन और रसायन जैसे उद्योगों का विकास हुआ है। इसी प्रकार कृषि आधारित उद्योगों में वस्त्र, चीनी, कागज, तंबाकू आदि के उत्पादन में यहाँ वृद्धि हुई है। दक्षिण पूर्वी एशिया में उद्योगों का अभाव है, यहाँ पर केवल कच्चा माल उपलब्ध यह कराता है। ठीक है, तो उद्योगों का विकास यहाँ कम हुआ है, कुछ गिने चुने उद्योग ही है। उसके बाद है मानव संसाधन। मानव संसाधन बहुत है मानसूनी क्षेत्रों में, जनसंख्या बहुत अधिक है। अब जैसे भारत और चीन की ही हम बात करते हैं तो विश्व के ये दो बड़े देश हैं जहां सबसे अधिक जनसंख्या है। यहाँ देखो, दोनों देशों को मिलाकर विश्व की लगभग 38% पॉपुलेशन है। भारत और चीन की जो जनसंख्या है अगर उनको मिलाया जाता है तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 38% यहाँ की पॉपुलेशन है। देखो, चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, पता होगा आपको। चीन विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है। चीन में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। और भारत है वो चीन के बाद भारत का देखो सेकेंड स्थान है। चीन के बाद भारत में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या यहाँ बहुत अधिक निवास करती है और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ बहुत अधिक है। और जैसे जापान की राजधानी है टोक्यो, कि जो राजधानी टोक्यो है यहाँ जो घनत्व है, जन घनत्व वो विश्व में सबसे अधिक है। अगर शहरों की बात की जाए तो यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, और यहाँ गांव की संख्या अधिक है यहाँ, क्योंकि मानसूनी क्षेत्र का जो देश है वो विकासशील देश है, तो अधिकतर जनसंख्या है यहाँ गांव में पाई जाती है। और मानसून एशिया मानव सभ्यता का पालना कहलाती है। मानव सभ्यता का पालना इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर सभ्यताओं का सबसे पहले विकास हुआ था। जैसे चीन की सभ्यता है, भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता है, और ठीक है, उसके अलावा जो धर्म है, भारत जैसे भारत ही देश की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये आदि भारत में ही इनका जन्म हुआ है। उसके अलावा जो इस्लाम धर्म है उसका भी प्रवेश मानसून एशिया के अरबी देशों की ओर से हुआ है। इसके अलावा जो पारसी है, जो अग्नि देवता की पूजा करते हैं, वो भी यहीं के निवासी थे। और जापान देश में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर टोक्यो स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ शहर हैं जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ढाका, लाहौर, हैदराबाद,
कानपुर, सोलापुर, अहमदाबाद आदि भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश के कुछ मुख्य शहर हैं और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 105 शहर हैं। उसके बाद देखो रंगून, बैंकॉक, हनोई, कैंटन आदि दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 प्रमुख शहर हैं, ठीक है, जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या भी मानसूनी क्षेत्रों में बहुत अधिक है, मानव संसाधन यहाँ बहुत अधिक है। और विश्व के जनसंख्या के 2 बड़े देश चीन और भारत यहीं पे स्थित है। तो ये मानसून एशिया है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।